दोस्तों उर्दू तो उर्दू यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उर्दू वाकयात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की बेटी आलमा फाजिला आरफा और फारसी जुबान की शायरा थी। ज़ेबनसा ने 3 साल के अरसे में कुरान मजीद हिफ्ज किया, फारसी अरबी और उर्दू जुबान से काफी वाकफियत पैदा कर ली। हित फिलसफा और अदबियात में भी काफी अदराक हासिल था। दानिशमंद अदब दोस्त और शायर परवर थी। उनकी हमायत करती यही वजह है कि बहुत ज्यादा किताबें रिसाले और दीवान उसके नाम लिखे गए हैं। उनके वालिद हर काम में उसे मशवरा करते थे। शादी नहीं की। ज़ेबल मंशात और ज़ेबल तफासिर किताबें उनके आसार हैं। मुस्तकबिल के शहनशाह औरंगजेब की सबसे बड़ी साहबजादी शादी के ठीक 9 माह बाद 15 फरवरी 1638 को दिकन के शहर दौलताबाद में पैदा हुई। उनकी वालिदा दलराज बानो बेगम औरंगजेब की पहली बीवी और चीफ साथी थीं और ईरानी हुक्मरान सल्तनत के मुमताज खानदान की शहजादी थीं। ज़ेबनसा अपने वालिद की चहेती बेटी थी। औरंगजेब ने दरबार की एक खातून हफीज मरियम पर ज़ेबनसा की तालीम की जिम्मेदारी डाली। ऐसा लगता है कि ज़ेबनसा को अपने वालिद की जहानत और अदबी ज़ुख वर्षा में मिली थी, क्योंकि ज़ेबनसा ने फक्त 3 साल में कुरान हिफ्ज किया और 7 साल की उम्र में हाफ़िज़ बन गई। उस मौके को उसके वालिद ने एक जबरदस्त दावत और अवामी तातील के साथ मनाया। शहजादी को उसके खुश व खुर्रम वालिद ने 30,000 सोने के सिक्के का इनाम भी दिया। औरंगजेब ने अपनी शहजादी बेटी को अच्छी तरह तालीम देने के लिए उस्तानी बी को भी बतौर इनाम सोने के 30,000 सिक्के दिए। तब ज़ेबनसा ने उस वक्त के इलूम को मोहम्मद सईद अशरफ मजिंदरानी से सीखा, जो फारसी के अजीम शायर भी थे। वो फिलसफा रियाजी फुल्कियात अदब सीखती थी और फारसी अरबी और उर्दू की माहिर थी। खताटी में भी उनकी अच्छी शोहरत थी। उसकी लाइब्रेरी ने दूसरे तमाम लोगों के निजी जखीरे को पीछे छोड़ दिया और उसने उसके हुक्म के मुताबिक अदबी काम पेश करने या उसके लिए मुखितात नकल करने के लिए बहुत सारे उलमा को आजादाना तनख्वाहों पर मुलाजमत दी। उसकी लाइब्रेरी में कानून अदब तारीख और अलायात जैसे हर मौजू पर काम हुआ। ज़ेबनसा एक नेक दिल खातून थी और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। उसने बीवा ख्वातीन और यतीमों की मदद की। उसने न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि हर साल वो हज्जाज को मक्का और मदीना भेजते। उन्होंने मौसीकी में भी दिलचस्पी ली। जब शाहजहां के बाद औरंगजेब शहंशाह हुआ तो ज़ेबनसा 21 साल की थी। जब औरंगजेब को अपनी बेटी की सलाहियत और काबिलियत के बारे में मालूम हुआ तो वो उससे अपनी सल्तनत के सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करना शुरू किया और उसके मशवरे सुनता। कुछ किताबों में उसका तज़किरा किया गया है कि जब जब ज़ेबनसा दरबार में हाजिर होते उसके इस्तकबाल के लिए हर बार औरंगजेब तमाम शाही शहजादों को भेजता। ज़ेबनसा की 4 दीगर छोटी बहनें थीं, ज़ैनतिल नसा ज़बदातिल नसा बदरल नसा और महरनसा। तारीख पाक व हिंद में उसके बारे में लिखा गया है कि ज़ेबनसा ने अरबी और फारसी की आला तालीम हासिल करने के साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज किया। शेर व शायरी में अपने उस्ताद मिला मोहम्मद सईद अशरफ माजिंदरानी से असलाह ली, इल्मा और अहल फन की भरपूर सरपरस्ती की और उनके लिए एक अल्लाई पाई का कुतुब खाना कायम किया।